को ले चलते हैं अफगानिस्तान के हेरात, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और अब से कुछ देर पहले भारत अफगान मित्रता बांध का उद्घाटन करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेरात में भारतीय कौंसलेट पहुंचे और वहां के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अहम ये दौरा है कुछ घंटे का अफगानिस्तान का भारतीय प्रधानमंत्री का। और इस अहम दौरे के दौरान जो दूसरा आज का कार्यक्रम है वो है भारतीय कौंसलेट का दौरा। और प्रधानमंत्री, जैसा कि आप सीधे तस्वीरें इस वक्त अफगानिस्तान के हेरात से देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं हेरात के भारतीय कौंसलेट और वहां पर भारतीय अधिकारियों से मिलने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण पांच देशों की यात्रा आज सुबह शुरू हुई और पहला पड़ाव अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान में सबसे पहले हेरात में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने भारत अफगान मित्रता बांध का उद्घाटन किया। वहां पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी मौजूद थे। और इस संयुक्त उद्घाटन के बाद अब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं भारतीय कौंसलेट, जो हेरात सिटी में मौजूद है। और इस भारतीय कौंसलेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के अधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। भारत अफगानिस्तान मित्रता का इतिहास काफी पुराना है और इस इतिहास में एक और अध्याय आज उस वक्त जुड़ गया जब अफगान भारत मित्रता बांध का उद्घाटन किया गया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर इस महत्वपूर्ण बांध का उद्घाटन किया था। इस वक्त एक फोटो अपॉर्चुनिटी वहां पर हो रही है, जो सुरक्षा अधिकारी, भारतीय सुरक्षा कर्मी मौजूद है भारतीय कौंसलेट की रक्षा करने के लिए, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी तस्वीरें खिंचाते हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भारतीय कौंसलेट के दफ्तर की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए। और इस वक्त अरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। अरुण, प्रधानमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम है भारतीय कौंसलेट में? देखिए राहुल, इस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कॉन्सलेट ऑफिशियल्स के साथ में बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। काफी महत्वपूर्ण ये बातचीत मानी जाती है, जो कॉन्सलेट ऑफिशियल्स यहाँ पे लगातार काम करते हैं उस दिशा के अंदर। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पर कॉन्सलेट ऑफिशियल्स के साथ में यहाँ पे बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन कई मायनों में जो दौरा इस तरह से ऐतिहासिक माना जा सकता है राहुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर, आपको याद होगा कि 25 दिसंबर 2015 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में जो पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनी है उसका उद्घाटन किया था। और 6 महीने से भी कम के समय के अंदर यहाँ पे जो अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप कहने उसका उद्घाटन किया है। तो ये भारत की प्रतिबद्धता को बताता है कि किस तरह से यहाँ पे बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में भारत काफी ज्यादा प्रतिबद्ध है। और इसी दिशा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे हर तबके के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ इश्यू है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में जिस तरह से जो एक आतंक का साया रहता है, जिस तरह से यहाँ पे जो गतिविधियां होती रहती है, उसके बाद में ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, अहम हो जाता है कि शांति को स्थापित किया जा सके। इस दिशा के अंदर भारत लगातार आगे बढ़ चढ़ करके आया है और अफगानिस्तान की लगातार मदद कर रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अफगानिस्तान बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर काफी ज्यादा पीछे है, तो उसको बढ़ावा देने की दिशा के अंदर भारत और क्या कुछ प्रयास कर सकता है। आपको पता है कि $2 बिलियन का क्रेडिट लाइन भारत एक्सटेंड करता है, साथ ही साथ दो प्रोजेक्ट जो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे जो हुए हैं, तो पार्लियामेंट का उद्घाटन करना और दूसरा यहाँ पे जो डैम का उद्घाटन करना, वो भारत की प्रतिबद्धता को यहाँ पे जाहिर करता है। और इस समय से आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में लगातार बातचीत कर रहे हैं, ऑफ कैमरा उसे समझने की भी काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ दिक्कतें आती हैं। उन्होंने अपने भाषण में ये वाली बात की गई है, जब उन्होंने अपना पदभार संभाला था और जब हेरात के अंदर जिस तरह से जो आतंकी हमला हुआ था, तो किस तरह से उसे लगाम लगाई गई थी, किस तरह से उसे काबू में किया गया था, किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। तो ये काफी इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा अहम यहाँ पे माना जा रहा है। जी अरुण, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय कौंसलेट के अधिकारियों से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, जो फोटो अपॉर्चुनिटी के दौरान जो बातचीत हो रही है, उसके अलावा भी एक आधिकारिक बातचीत का भी वहां पर कार्यक्रम है। लेकिन ये कौंसलेट का दौरा अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर ये कौंसलेट रहा है और हमने पहले देखा है कि इस कौंसलेट पर आतंकी हमले भी हुए हैं और भारतीय सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती है इसकी सुरक्षा के लिए। तो ये दौरा इस 4 या 5 घंटे के अफगानिस्तान दौरे के दौरान
हेरात कॉन्सुलेट जाकर पीएम मोदी का वहां पर अधिकारियों से मिलना, ये अपने आप में काफी अहम बात है। राहुल, देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर के और शांति बहाली करने की दिशा में भारत कितनी अहम भूमिका निभा रहा है। अगर आपने प्रधानमंत्री की स्पीच को अगर गौर से सुना हो, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि जो डैम का उद्घाटन कर रहे हैं ये केवल ईंट पत्थरों का उद्घाटन नहीं है, ईंट पत्थरों का डैम नहीं है, ये विश्वास बहाली का है। इसकी जो दूर रहते विश्वास है, भारत और अफगानिस्तान के संबंधों की मजबूती का विश्वास है। तो इसी मोर्चे पर लगातार बातचीत चल रही है, शांति प्रक्रिया और किस तरह या शांति किस तरह से स्थापित हो सके, किस तरह टेरर का सामना किया जा सके, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पे बातचीत लगातार चल रही है। आपको अगर ऑफ कैमरा की बात करता तो प्रधानमंत्री लगातार, आधिकारिक बात तो अलग ही बात है लेकिन ऑफ कैमरा भी लगातार इन कॉन्सुलेट से पूछते रहते हैं कि किस तरह की आपकी दिनचर्या रहती है, किस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है, क्या कुछ चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है यहाँ पे। अब लोग जो यहाँ पे जो ऑफिशियल तैनात है वो लगातार अपनी बातें बता रहे हैं इस समय पर, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन के अंदर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये आधिकारिक ऑफिशियल्स ने बता रहे हैं कि किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से 24 घंटे तैनात यहाँ पे रहना पड़ता है ताकि यहाँ पे सुरक्षा बहाली की जा सके। लेकिन जरूरत ही आखिर क्यों हो इन सब चीजों की, क्यों शांति यहाँ पे स्थापित नहीं की जा सकती, तो उस दिशा के अंदर क्या कुछ किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस आज उसी बात पर है कि अफगानिस्तान भारत के लिए मित्र से भी ज्यादा साबित हो चुका है, या फिर यूं कह सकते हैं कि भारत ने जिस तरह से अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में, तो वो काफी ज्यादा साफ है कि भारत अफगानिस्तान के लिए मित्र से भी ज्यादा बड़ा देश बन चुका है। तो इन सब मुद्दों पर यहाँ पे बातचीत चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे जो विशेष है उनसे लगातार बातचीत करते हुए कि किस तरह से यहाँ पे शांति बहाली हो सके, आतंक का जो छाया है वो किस तरह से हट सके और साथ ही साथ किस तरह से यहाँ पे जो विकास है वो भी यहाँ पे समझ सके। राहुल जी, अरुण, साथ ही साथ आप क्योंकि काफिले के साथ है तो आपको मौका मिला है काफी नजदीक से जानने का, समझने का, किस तरह से अफगानिस्तान के लोगों ने या वहाँ के ऑफिशियल्स ने भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। और आज जो बहुत बड़ा एक तरह से कदम उठाया गया है, अफगान भारत मित्रता बांध का उद्घाटन जो किया गया है, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए, हेरात और उसके आसपास के इलाके की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बांध साबित होने वाला है। और ये कितना महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें बताती हैं, जिन तस्वीरों में हमने देखा कि अफगानिस्तान के लोग नाचने और गाने के साथ बाकायदा उन्होंने जश्न मनाया इस उद्घाटन के समारोह के बाद। अफगानिस्तान के लोगों ने और वहाँ के ऑफिशियल्स ने काफ़ी गर्मजोशी के साथ भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया। राहुल, आपने एक जो आपने जो पॉइंट किया विकास की बात की, बुनियादी ढांचे की बात की, इसमें एक और एंगल जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा कि जिस तरह से लोग खुश थे, मेरे यहाँ पे कई लोगों से बातचीत हुई है, यहाँ पे ऑफिशियल के साथ जो है सिविलियंस हैं जो लोग रह रहे हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि शायद काफी लंबे समय के बाद में हमें कह सकते हैं कि हमने इतनी खुशी का मौका की अनुभूति की, यहाँ पे नाच गाना हुआ है, खूब हमने एंजॉय किया है, खूब हमें खुशी महसूस हो रही है। उसका कारण क्या है, 42 मेगावाट की जो ऊर्जा है जो हाइड्रो पावर की होगी वो हेरात वासियों को मिलने वाली है, ठीक है। दूसरी बात, उसी डैम से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है उसी से जो कृषि क्षेत्र है हेरात के, अगर आप रीजन को समझने की कोशिश करें तो काफी दिक्कत आती है, पानी को पहुंचाना होता है, इरीगेशन ज्यादा दुरुस्त नहीं है इस क्षेत्र के अंदर, हेरात की बात की जाए तो उस क्षेत्र के अंदर इस डैम से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जैसे आप इरीगेशन जो है उसको काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो एक अहम बात निकल करके आती है कि यहाँ के लोग काफी खुशी इस बात के लिए भी महसूस कर रहे हैं कि विकास की दिशा के अंदर ये लोग आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है कि जिस तरह से यहाँ के लोगों ने गर्मजोशी का साफ स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मैं आपको बताऊँ कई लोग यहाँ पे निकल निकल करके आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फीज भी आई है और साथ ही उन्होंने अपनी बातें भी बताई कि विकास को लेकर क्या कुछ करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी भी लगातार कह रहे हैं कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ना लिखना चाहते हैं, लोगों से पूछा है, बच्चों से जाहिर सी बातें मिले हैं उनसे पूछा कि कितना पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे, आगे क्या कुछ करना चाहते हैं। तो लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई, बच्चों ने अपनी बातें शेयर की जो कि हम लगातार समझ पा रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हम अफगानिस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, आतंक से साहित हटाना चाहते हैं और साथ ही साथ वो खुद उन्नति और विकास करना चाहते हैं। तो ये कुछ बातें जैसा कि आप कह रहे थे कि लोग खुश थे, खुशी का कारण क्यों था, क्योंकि विकास अब उनके साथ जुड़ रहा है, क्योंकि एक नई उम्मीद उनके साथ जुड़ रही है कि भारत लगातार अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, हर हर सफर पर हर मोर्चे पर अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, कि शायद इससे बेहतर खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती अफगानिस्तान और भारत के लिए। जी अरुण, लगातार तस्वीरें वहां से देख रहे हैं, अभी फिलहाल तस्वीरें आने बंद हो गई हैं, लेकिन वहां भारतीय कॉन्सुलेट में प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम क्या है, कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है और इसके बाद सीधा दोहा के लिए प्रधानमंत्री को निकलना है, तो आने वाली जो वक्त है वो भी काफी उम्मीदों से भरा रहने वाला है। बिल्कुल राहुल, जैसे कि मैं आपको बताया था कि लगभग 6 दिन
पांच देश और 40 से ज्यादा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो उनको अटेंड कर रहे हैं, 40 से ज्यादा कार्यक्रम इन 6 दिनों के अंदर, जिसके लिए वो 45 घंटों का हवाई सफर भी करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा जैम पैक शेड्यूल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहाँ पे बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही समय के अंदर यहाँ से निकलेंगे और अपना आगे का सफर तय करेंगे, जो कि अब वो यहाँ से दोहा के लिए रवाना होंगे। लेकिन हाँ, अगर इस अफगानिस्तान की यात्रा को समेटने की कोशिश का, इसको कंक्लूड करने की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो काफी सफल दौरा माना जाएगा। और एक मैसेज होता है, अगर हम इस दौरे की इसका मैसेज समझने की कोशिश करें तो साफ तौर पर निकल करके आता है कि अफगानिस्तान किस तरह से भारत के साथ, भारत किस तरह से अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है हर मौके पर। ये एक स्ट्रांग मैसेज है और भारत का जो इंटेंशन है वो ये है कि किस तरह से अफगानिस्तान यहाँ से डेवलप करे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की अफगानिस्तान में बेहद कमी है। यहाँ पे ना सड़कें दुरुस्त है, ना बिजली है ठीक ठाक, और ना पानी है। यहाँ पे जो बच्चे हैं स्कूल की जो शिक्षा होती है वो भी ठीक से मुहैया नहीं हो पा रही है। तो इन तमाम चीजों के लिहाज से अफगानिस्तान में विकास की बहुत संभावना है, विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको याद होगा राहुल, जब अफगान के राष्ट्रपति जब भारत के दौरे पर आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर लोगों को ये न्योता दिया था कि अफगान में आकर के निवेश कीजिए, अफगान में आइए, क्योंकि अफगान अब बदल रहा है, अफगानिस्तान अब बदल रहा है। और शायद यही वजह है और यही कारण है कि भारत लगातार खड़ा हुआ है इस समय पर अफगानिस्तान के साथ में, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने ये अपील की थी भारत में आकर के भी कि निवेश को आकर्षित करें, और भारत में उन्होंने आकर के पूरी दुनिया में मैसेज दिया था कि अफगानिस्तान में आकर निवेश कीजिए, क्योंकि निवेश की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो काफी शांतिप्रिय इलाका हो रहा है अफगानिस्तान। तो इस लिहाज से जो अफगानिस्तान प्रेसिडेंट ने भी जो मैसेज दिया था वो काफी क्लियर था। साथ ही साथ भारत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर मैं आपको बताऊं कि अब बस यहाँ से कुछ ही क्षणों में निकलने वाले हैं राहुल, और अब उनका जो काफिला है कुछ ही क्षणों के अंदर यहाँ से रवाना होगा यहाँ से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ थोड़ी क्षणों में यहाँ से रवाना होने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सफल दौरा माना जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे। जी चलिए अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया लगातार अपडेट्स के लिए, आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो सीधी तस्वीरें हमने आपको अफगानिस्तान के हेरात से दिखाई, जहां पर अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि अफगान भारत मित्रता बांध का संयुक्त उद्घाटन किया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने। और सीधी तस्वीरें आप हेरात के भारतीय कौंसलेट से देख रहे थे, जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री समय निकालकर पहुंचे और वहां पर सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत की, सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात की और भारतीय ऑफिशियल से वहां पर मुलाकात की। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री अपने पांच देशों की यात्रा के दूसरे अहम पड़ाव कतर के लिए रवाना होने वाले हैं।